नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। अभी मैं पहुंच गया हूं तत्ता पानी में, जो कि सतलुज के किनारे बसा एक विलेज है। ये एक प्रकार का स्पिरिचुअल प्लेस है, लेकिन साथ ही यहां पर एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती है। तो मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो शिमला से करीब 58 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। शिमला के लक्कड़ बाजार से आपको यहां के लिए बसेस मिल जाएगी। इसके बाद ये ब्रिज आप देख पा रहे होंगे, ये तत्ता पानी का मेन ब्रिज है और ये दो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, जिसमें शिमला और मंडी इंक्लूडेड है। जो बोर्ड आप सामने देख रहे हो, यहाँ से मंडी डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाती है और इस ब्रिज के ठीक साथ में ही यहाँ पर यहाँ का बस स्टैंड है, जहाँ से आपको मंडी करसोग के लिए और साथ ही शिमला के लिए बसेस मिल जाएगी। तो बस स्टैंड आप सामने देख रहे होंगे, यहाँ पर HRTC की दो बसेस लगी हुई है। एक बस शिमला के लिए जा रही है तो दूसरी कांडा के लिए जा रही है। शिमला के लिए तो यहाँ से बसेस चलती रहती है, यहाँ पर HRTC के साथ साथ प्राइवेट बसेस भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये मार्केट्स आप तत्ता पानी की देख रहे होंगे। तत्ता पानी की मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दूं, तो तत्ता पानी का मतलब यहाँ पर हॉट वाटर है। यहाँ पर आपको नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे, जो कि गर्म पानी के कुदरती स्रोत है। कहते हैं उनमें स्नान करने से बहुत सारी जो डिजीज है वो ठीक होती है, जिसमें स्किन डिजीज और जॉइंट पेन शामिल है। साथ ही जो फटीग है वो भी आपकी दूर हो जाती है। तो ये रहा तत्ता पानी का मेन हॉट वाटर स्प्रिंग्स। यहाँ पर आप जगह जगह कुंड देख पाएंगे और यहाँ पर आप स्नान कर सकते हो, साथ ही यहाँ पर तुलादान भी होता है। इसके अलावा सामने दोस्तों आप देख सकते हो, ये है सतलुज रिवर और काफ़ी बड़ा इसका एक रिजर्वॉयर टाइप का है। साथ ही यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ भी होती है और एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती है। यहाँ पर आप शनिदेव जी का मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और नरसिंह मंदिर देखेंगे। जब दर्शन करने अंदर जाएंगे तो साथ ही साथ आपको भी उनके दर्शन करवाएंगे। तो सामने आप जेट्स की देख रहे होंगे, यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है। तो अभी जाएंगे तो वहाँ पर कोई एक्टिविटी करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। तो ये रहा एडवेंचर पॉइंट, यहीं पर होगी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और यहीं से आप इनका आनंद ले सकते हो। और रेट लिस्ट आप यहां पर देख सकते हो, इसमें सारी एक्टिविटीज़, टाइमिंग इन किलोमीटर्स और रेट वगैरह लिखे हैं। वीडियो पॉज करके आप चेक कर सकते हो। तो चलिए चलते अब सीधे और जो पसंद आएगा वो करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स है, जिसमें जेट बोट, स्पीड बोट, मोटर बोट, पैडल बोट और जेट स्कीइंग इंक्लूडेड है। सामने आप देख रहे होंगे, ये स्पीड बोट है। इसके बाद में सेकंड नंबर पे यहाँ पर जेट स्की है। तो प्राइसेस की बात करूँ तो स्पीड बोट के यहाँ पर 2100 रुपीस प्राइस है, या आप बार्गेन करके कम भी करवा सकते हो। तो 3 किलोमीटर की आपको यहाँ पर राइड इसमें मिल जाएगी। इसके बाद जेट स्की है, जिसमें आपको 3 किलोमीटर की राइड मिलेगी और 1000 रुपीस इसकी कॉस्ट रहेगी। पैडल बोटिंग का 200 रुपीस रहेगा और जो मोटर बोट है उसमें 300 रुपीस पर पर्सन रहेगा, लेकिन मिनिमम 7 पर्सन होने चाहिए। तो अब चलते हैं, हमने सेलेक्ट कर ली अपनी राइड और हम कर रहे हैं यहाँ पर स्पीड बोटिंग। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर हो रहा हूँ रेडी। तो यहाँ पर आपको लाइफ जैकेट पहनने को देंगे। तो कुछ रूल है, लाइफ जैकेट तो हमेशा आपको पहननी है, लेकिन स्पीड बोट में खड़े नहीं होने का है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फन करते हैं और मजे करते हैं। बस वीडियो में आप बने रहें।
हमारी राइड हो चुकी है अब ऑलमोस्ट ओवर। अब हम यहाँ पर उतरेंगे और सीधे जाएंगे मंदिर में दर्शन करने। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था, और बोटिंग करते टाइम जो व्यू देखने को मिला बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और बीच में सतलुज नदी के किनारे बसा ये गांव। बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस। और 3 किलोमीटर की ये पूरी राइड थी जिसमें करीब 15 मिनट्स का टाइम हमको लगा और बहुत ही अच्छा इसमें एक्सपीरियंस मिला। तो आप भी आएंगे तो ज़रूर यहाँ पर कोई एक वाटर एक्टिविटीज करिएगा। तो दोस्तों अब दर्शन करते हैं भगवान शनि देव महाराज जी के। इनके बाद यहाँ पर महर्षि जमदग्नि की भी मूर्ति है, इनके भी आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर सामने आप लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर देख रहे हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अंदर मूर्ति है और साथ में ही भगवान शिव का शिवलिंग और इन्हीं के साथ में हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये रहा नरसिंह मंदिर। सामने आपको बीच में नरसिंह जी दिख रहे होंगे और इन्हीं के साथ में राम दरबार है और राधा कृष्ण जी की मूर्ति है। तो फाइनली भगवान के दर्शन करने के बाद अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ का स्नान कुंड, जो कि गर्म पानी का कुंड है और इसी के साथ साथ तुलादान यहाँ पर होता है। तो वो दोनों चीज़ें आपको वीडियो में दिखाते हैं। तो सामने आप देख रहे होंगे ये है गर्म पानी के स्रोत। ऐसे ही यहाँ और बहुत सारे कुंड है स्नान करने के लिए। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग स्नान कुंड बनाए हुए हैं। मेल्स के लिए ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, जहाँ पर आप आसानी से यहाँ पर स्नान कर सकते हो। तो पानी गर्म है, इसमें सल्फर होता है और इससे कई सारी जो डिजीज़ है, जिसमें स्किन डिजीज़, जॉइंट पेन और थकान है, वो दूर होती है। तो ये फ़ायदे इस पानी में स्नान करने से मिलते हैं। आप भी आएंगे तो ज़रूर यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर तुलादान भी होता है, तो अगर आपको तुलादान कराना है वो भी आप यहाँ पर करवा सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि आप दान करते हैं किसी अनाज का, तो उस अनाज के साथ में आपको तोला जाता है। तो इसको करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। कोई भी ग्रह दोष आपको हो तो उन दोषों से आपको मुक्ति मिल सकती है। अगर आप तुलादान करवाते हैं तो इसका बहुत ही जल्द फायदा आपको मिलता है। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर स्टे की। तो आपको यहाँ पर कई सारे होटल्स मिल जाएंगे, जिसमें मेनली ओयो, लायन होटल एंड रेस्टोरेंट्स, होटल दी क्राउन और भी कई सारे होटल्स हैं, होम स्टेज है जहाँ पर आप स्टे कर सकते हो। तो कई सारे यहाँ पर खाने के ढाबे भी हैं जहाँ पर आप खाना खा सकते हो। तो उनमें से एक ढाबा आप सामने यहाँ पर देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छी सर्विस थी यहाँ की और काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर खाना खाने में। फाइनली अब वापस जाने का समय आ गया है। बहुत अच्छा यहाँ पर आके लगा। तीर्थ स्थान भी है और साथ ही साथ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होती है। तो ओवरऑल उस हिसाब से एक बेस्ट विजिटिंग प्लेस आपके लिए हो सकता है। तो कभी भी आप शिमला आते हो तो आप तत्तापानी ज़रूर आएँ और यहाँ आकर अपने तरीके से इंजॉय करें। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए TNT रेडिश। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।